किसान भाइयों, आप सभी का हमारे खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी जानकारी है वो केले की खेती पर है। आज हमारे साथ सर हैं जो कि पिछले एक वर्ष से केले की खेती कर रहे हैं और आज आपको केले की खेती की पूरी जानकारी देंगे। तो सर, आप हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ओमकार त्यागी है जी, गाँव गोरौली जी, जिला सहारनपुर जी। तो ये केले की खेती आप कब से कर रहे हैं? मुझे एक साल हो गया इसमें। अच्छा, तो ये केले की खेती करने का आप मतलब कब से आया कि मैं केले की खेती करूं? भाई, गन्ने से तंग होकर जी, गन्ना हम अच्छी तरह से पैदा करा जी, मिल को पहले तो मिल लेने को तैयार नहीं, मिल लेने को तैयार नहीं, मिल ले लिया जी, उसके बाद में फिर पेमेंट देने को तैयार नहीं जी। तो आदमी की मेहनत करने के बाद भी अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? और बताओ, तो कुछ ना कुछ अलग तो करना पड़ेगा। अब देखो, इसमें नए उसमें आए हैं क्या रहा है। अच्छा, तो इसलिए आपने केले की खेती शुरू कर दी। हाँ। तो ये आपने इसकी केले की खेती जो लगाया था केला, ये आपने कब लगाया था? ये लगाया था जुलाई के लास्ट में। जुलाई के लास्ट में। हाँ। और ये कौन सी वैरायटी लगा रखी है आपने? ये G9 है। अच्छा, G9। हाँ। G9 वैरायटी। हाँ। तो ये वैरायटी आप कहाँ से लाए? ये जलगांव में एक कंपनी जी, उससे मंगाया था। अच्छा, आपने उससे। तो कितने रुपए पर पेड़ आया, कैसे लगाया, उसके बारे में थोड़ा? यहाँ से 19.30 रुपए पेड़ यहाँ पहुँच पड़ा था आपको। हाँ, 19.30 रुपए पहुँच। तो उससे पहले, लगाने से पहले आपने खेत का जो मैनेजमेंट किया, मतलब उसकी जुताई कैसे करी, कौन से खाद गिरे? भाई, तो इसमें एक तो कुर्डी का खाद गिरा शुरू में और उसकी जुताई जैसा सामान्य कराई गन्ने के हिसाब से वैसे इसकी जुताई हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इसे लगाने में जी जी भाई, लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट। अच्छा, लाइन से जो लाइन की दूरी थी वो आपने 6 फीट रखी। 6 फीट रखी और पेड़ से पेड़ 5 फीट। अच्छा, पेड़ से पेड़ 5 फीट, बल्कि ये जो कम है दूरी। अच्छा, ये कम है। ये शुरुआत में होने की वजह से जी भाई, शुरुआत में थोड़ी बहुत ही गलतियां भी हो आदमी पर जी, तो आगे से जो हम इसमें सुधार करेंगे। तो इसमें जो सही हो इसका जो 7x6 जी, या 7x5 कर लो। लाइन से लाइन की दूरी तो 5 फीट, 5 फीट और पेड़ से पेड़ 7 फीट। 7 फीट में ऐसा वो जिगजैग लगाना चाहिए। अच्छा, जिससे उसे चारों तरफ जो बराबर जगह मिले, बराबर जगह मिले। हाँ। और अगर इसमें 6x5 वाले में जो जी जी, ये एक साइड को झुक जाए पेड़। अच्छा, एक साइड को झुक जाए। हाँ। पेड़ जैसे कि अभी झुक रहे हैं, ये झुक रहे हैं ना, तो उसमें बराबर सीधे चलाए इसमें रस्सी जो, फिर कम बांधनी पड़े। अच्छा, तो अभी आपके केले पर फल आ गया। फल आएगा। तो ये कितने दिन का हो गया अभी तक? अभी ये आप देख लो, जुलाई जी, जून से जून होगा, जून जुलाई अगस्त जी, सितंबर जी, 15 महीने का हो गया। तो 15 महीने में फल आ गया। हाँ, मतलब अब जो कटाई के उस पर और 15 दिन में जी, कुछ 15 दिन में जी, ये शुरुआत, ये ऐसा सारा एक बार नहीं आ पाता। अच्छा, सारा एक बार। पेड़ जैसा जितना स्वस्थ पेड़ होगा जी जी, उसी हिसाब से पेड़ ये फल आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो स्वस्थ पेड़ है उन पर पहला आ जाएगा जी, जो थोड़े भाई हर तरह के हों, पेड़ तो है नहीं भाई, सारे एक सारे जैसे हों, तो मैं थोड़ा लेट कटाऊंगा। अच्छा, तो आपने इसकी जैसे की जुताई करने के बाद, तो इसकी आपने अलग से बैड बनाई थी इसकी जो ऊंची लग रही है? जब ये जड़ पकड़ गए पेड़ मारे जी, थोड़े बड़े से हो गए थे जी, उस टाइम पर फेड़ हमने इसमें थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा दी थी दोनों, बल्कि थोड़ी कम रहेगी इससे, और थोड़ी सी ये जो ये हिस्सा है ना, ये जी जी, ये वाला हिस्सा, ये वाला इतना, ये काला सा जो ये वाला, ये इसका ये जी जी, ये इसका मिट्टी में होना चाहिए। अच्छा, ये मिट्टी में दबा होना चाहिए। हाँ, ये वाला हिस्सा। हाँ। देखो, फिर ये जड़ बाहर नहीं आती इसकी। अच्छा, ये जड़ जमीन से, जमीन से बाहर नहीं आती। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बाहर आएगी इसकी। अच्छा, तो इसे पोषण पूरा नहीं मिला। अच्छा, पोषण इसे पूरा मिल नहीं पा रहा। तो चलो, अच्छी बात, ये थोड़ी थोड़ी गलतियां हुई तो इन आगे सुधार होगा इनमें। तो आपने इनको पहली बार किया तो पहली बार ऐसा ही रहता हो? शुरुआत तो देखो थोड़ी बहुत ही गलतियाँ हो जी, ना धीरे धीरे सुधार करो जी। तो जैसे कि आपने 15 महीने आपकी फसल को हो गए। हाँ। और अब इसमें फलाना स्टार्ट हो गया। हाँ। तो जब लगाने के बाद आपने इसकी जो मैनेजमेंट किया, यानी कि खाद पानी दवाई। हाँ। कौन कौन से रोग आए तो उनके बारे में? रोग तो ज्यादा तो कुछ आता नहीं, तो फंगस। अच्छा, फंगस। हाँ। या कोई पत्ता काटने वाली सुंडी आ जाए, सुंडी भी आ जा। अच्छा अच्छा, भाई जैसे हमारा ये आपका गन्ना है जी जी जी, इसमें आएगी जी, या भाई कोई चारा बो रखा जी, चारे में आ जाए, चारे में तो इसमें आ जाओ जी जी, इसमें कोई वैसा नहीं है भाई, इसमें पैदा होती हो तो ये दूसरे खेत में तो अगर आ जाओ तो मैं पत्ते को कुतर दूंगा इसे। अच्छा, यहाँ से पत्ते कुतर छेक से कर दो इनमें। अच्छा अच्छा, भाई उनका तो जो उसकी कीटनाशक लगा दो। अच्छा अच्छा,
और उसका स्प्रे कर देते हो। हाँ, उसका स्प्रे अच्छा, कर दो। चलो ये तो कीट और रोग की होगी। फंगस का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, फंगस बहुत ज्यादा होगा, फंगस नमी ज्यादा होने की वजह से। अच्छा, तो पानी की व्यवस्था इसमें जो 8वें दिन रखनी पड़ेगा, ज्यादा तो पानी होना, ज्यादा पानी हम अब ये पानी दे रहे जी जी अभी पानी दे रहे जैसे थोड़ी देर पानी रोक का इसमें जी जी, और हमने उधर से इसे निकाल लेकर रख रखा है। अगर ये शाम तक पानी ये जितना इसमें चल रहेगा जी जी वो ठीक है, बाकी इसमें तो निकाल दो पानी को निकाल दोगे। हाँ, नहीं पानी इसमें ज्यादा भरा नहीं रहना चाहिए। हाँ अच्छा, नहीं तो वो फंगस आ जाएगी, फंगस आ जाएगा, जोड़ों से फंगस चल जाएगी इसकी। अच्छा, तो चलो अच्छी आपने लगाया, आपका फल भी आ गया। तो अब बात करते हैं इसकी खाद की, इसको लगाने के बाद कौन कौन से खाद की आवश्यकता पड़ती है, कब इसमें खाद देने चाहिए? भाई खाद तो जहर लगाने के एक महीना तक तो इसमें कुछ दिखते नहीं, लगाने के एक महीना तक 25 दिन लगभग 25 दिन तक जी, जब तक ये जड़ नहीं पकड़ता जी, जो उसमें जब हम तैयारी करेंगे जी, जब इसमें एनपीके डालना पड़ेगा। अच्छा, तो जब उस टाइम पर एनपीके डालकर और आप पेड़ लगा दो और पानी दो, जब ये जड़ पकड़ जाएगा उसके बाद में फिर यही एनपीके ही ज्यादा जरूरत पड़ेगा इसमें, एनपीके की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और पोटाश जी और यूरिया, बीच बीच में कभी कभी यूरिया देते हैं जब बढ़वार की जरूरत पड़े। कितने दिन बाद इसमें ये खाद आप देते रहते हो? ये शुरुआत में तो इनका रहा 15 दिन का हिसाब शुरुआत में। हाँ अच्छा, फिर थोड़ा सा टाइम बढ़ाया ना। अच्छा, आजकल आकर फिर जब फल आना शुरू हो उस टाइम पर पोटाश की और यूरिया की जरूरत ज्यादा रहे, ज्यादा रहे। लगभग कितने आपके, कितने बीघे आपका है? 3 बीघे। ये 3 बीघे, तो 3 बीघे में आपके जो पेड़ लगे, मैं टोटल पेड़ कितने लगे? 3 बीघे में 750 पेड़ लगे थे इसमें, 750। और फल कितने पाया? फल आया अब तक इनको 535 पेड़ पर। 535 का ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हमारे यहाँ से पाड़े की जो पाड़ा बहुत ज्यादा पड़े आपको। अच्छा जी, तो जो धोरे के पेड़ थे जी जी, उनको पाड़े का असर ज्यादा होगा। अच्छा, धोरे के धोरे पर आया? हाँ, जो साइड में हो जी जी, तो अंदर कुछ कम हो गया तो वे पेड़ जो चल नहीं पाए जी, वो फिर नीचे से चले। अच्छा अच्छा, तो वे हो तो रहे बड़े, अब देखो ये इतना बड़ा हो रहा है जी, तो अभी अर है बच्चा ही अभी। अच्छा है बच्चा। हाँ, बड़ा पेड़ हो गया, बड़ा पेड़ तो बड़ा होगा जी, अगर बच्चा ही है इनको आओगा फिर ये सर्दियों के बाद में। अच्छा, इस पर जो फल होगा अब वो सर्दियों के बाद में होगा। तो अब अगर इसके वेट की बात करें, चरखे की वेट की, एक पेड़ पर जो चरखा निकलता केले का वो कितने केजी तक चला जाता है, यानी कितने किलो तक निकल जाता है आपका ये? भाई देखो, निकलने को तो जो पहले से करते आ रहे हैं, मैं तो 40-50 तक भी बताऊं, 60 तक भी। अच्छा, जो हमारा हमारा जो थोड़ा है कमजोर रहे पेड़ अब पाड़े की वजह से, पाड़े की वजह से। हाँ, तो हमारा तो 30 के आसपास। अच्छा, एक पेड़ से 30 किलो केला आपका निकल जाएगा एवरेज, कुछ कम भी निकलेगा कुछ ज्यादा भी, तो 20 के लगभग एवरेज। अच्छा, 20 पूरे खेत का एवरेज, 20 किलो प्रति पेड़ का एवरेज रहेगा। लापरवाही नहीं होती। अच्छा, अब फंगस आएगा, अब देखो 4 दिन हम इसमें आए नहीं पेड़ में। हाँ, खेत दक्षण तो फंगस के लिए आप कौन सी दवाई का यूज करते हो इसमें? जो ये गन्ने की फंगस की दवाई है यही कार्बोनाजेम मैनकोजेब। अच्छा, इनका ही यूज जड़ों में घेरते हो जाए ना? या नहीं, जड़ों में तो शुरू में डालेंगे जब हम पेड़ लगाऊंगे, जड़ों में तब डाल लोगे। और बाकी तो इनके पत्तों पकड़ो जाओ। अच्छा, पत्तों पकड़ो जाओ। और जैसे कि आपने पत्ते डाल भी रखे हैं, तो इसको हम लोग कैसे करें? पत्ते एक में साफ है, एक नाली साफ है, ये भाई कूड़ा जो है इसका एक उसमें रखो जा, जिससे दूसरे में अपना चलने में आसानी रहे। अच्छा, और इसकी खाद बन जाए। अच्छा, इसकी खाद बन जाए। देखो इसके कितनी अच्छी मिट्टी होती है, केचुआ बहुत ज्यादा हो गया इसमें और खाद बन गया अभी। ये सारा भरा हुआ था बिल्कुल जी, और अब यहाँ कुछ नहीं, पत्ता सब खत्म हो गया। तो जैसे कि आपने 3 बीघे में आपने केले की खेती कर रखी है, तो इसमें 3 बीघे केले लगाने में आपका जो टोटल खर्च वो कितना आया? इसमें खर्चा आया जी 45,000 रूपये 3 बीघे में अब तक। अब तक 45,000 रूपये आपका खर्च आ चुका है। और खर्च ही ज्यादा, खर्च ही ज्यादा। अगर इसकी आमदनी की बात करें, गरीब जा, जैसे कि आप टोटल आपका इसका जो रेट प्रति किलो के हिसाब से कितना लग रहा और कितना तक का माल इसका, मतलब इसमें तो प्रॉफिट आपको कितना हो जाएगा? भाई चलो आप 20 का अगर औसत आएगा जी, तो 15 का फिलहाल जो 15 रुपए का रेट चल रहे, 15 × 30 जी, 3×5 = 15 जी, तो 1.5 लाख रुपए के लगभग इसमें। अगर 15 का रेट भी आपको मिलता कम से कम है 15 का, ज्यादा भी हो तो 1.5 लाख ज्यादा ऐसा हो, ये जो नवरात्र आ रहे उस टाइम पर कुछ थोड़ा ज्यादा भी रहे। अच्छा, ज्यादा भी हो जा। हाँ, तो कम से कम 1.5 लाख तो 3 बीघे में आपके है ही। हाँ, उसमें खर्चा भी है, उसमें खर्चा भी है 50,000 का, 1 लाख रुपए आपको बच जाएंगे 3 बीघे। गन्ने से खेती से सही है, नगद की खेती। हाँ,
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे किसान भाइयों से पूछ सकते हैं। तो आप हमारे किसान भाइयों को अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, जो आपको मैं कॉल करके कोई भी जानकारी जाननी हो किसी पेड़ को, अगर उन्हें पेड़ भी लेना हो तो आपसे पूछ सके। 82 73 94 78 22 78 22। और कॉल करने का समय अगर आपको किसान भाई कॉल कर किस टाइम तक करें भाई? सुबह 9 बजे से और 5 बजे तक, इस बीच में कॉल करो। करना तो फिर बीच में दोपहर में 2 बजे 12 से 2 बजे के बीच में ना करा। अच्छा, दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच में दोस्तों कॉल ना करें, क्योंकि किसान भाई खेत में अपने काम भी करते हैं, काम करके थोड़ा आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जल्दी बताएं, और चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्दी इसी प्रकार की एक नई वीडियो और नई जानकारी में आपको मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।